सदगुरु कबीर के संदर्भ में ही कुछ जानना चाहिए, समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, व्यवहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। सदगुरु कबीर साहब और उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, एक बात गौर कीजिए। जब तक ये सृष्टि जीव जगत रहेगा तो हमारे जीवन के साथ जो पानी की प्रासंगिकता है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ये हवा की प्रासंगिकता है, अग्नि की प्रासंगिकता है, उसी तरह से हमारा जीवन जब तक चलेगा, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, मर्यादित करने के लिए, भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, पारिवारिक जीवन को प्रेममय बनाने के लिए, सामाजिक जीवन को न्यायपूर्ण बनाने के लिए, भाई बहनों के व्यक्तिगत जीवन को संयमशील बनाने के लिए सदगुरु कबीर के विचारों की प्रासंगिकता रहेगी। क्योंकि सदगुरु कबीर के सारे विचार हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। कबीर साहब आकाश पाताल की बात नहीं करते हैं, भारतीय संतों का जीवन वृत्त लिखने वाला संत कवि नाभा ने जो सदगुरु कबीर के संबंध में प्रशस्ति गाई है, तो उन्होंने एक शब्द कहा है कि आरूढ़ दशा हुई जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शन। सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ भी कहा है जगत की दशा पर आरूढ़ होकर, जगत की दशा कैसी है, आदमी की स्थिति कैसी है, आदमी की मान्यताएं कैसी है, आदमी की भक्ति कैसी है, आदमी की साधना कैसी है, इन सारे विषयों पर कबीर साहब ने दृष्टि डाली। सबसे पहले तो नर और नारियों के बीच उन्होंने दृष्टि डाली, तो नर में भी बड़े उभर खाभर विचार थे। इसमें कोई शूद्र वर्ग है उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं था, बहुत दलित शोषित और पीड़ित जीवन था उसका। कबीर साहब ने उसके अंदर नई आशा का संचार किया और कहा कि तुम दलित नहीं हो, शोषित नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, उपेक्षित नहीं हो। कुछ लोगों ने तुमको दलित बना दिया है, पीड़ित बना दिया है, शोषित बना दिया है, उपेक्षित बना दिया है। प्राकृतिक नियमानुसार तुम लोग सबके सब शुद्ध मनुष्य हो और सारे लोग मनुष्य हैं। हिंदू तो बाद में बन गया है, मुसलमान बाद में बन गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये बाद की परिकल्पना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा गीता में कि चातुर वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। इस सामाजिक व्यवस्था के लिए चार वर्गों का मैंने विभाजन किया है। तो सदगुरु कबीर साहब एक सुधारवादी महापुरुष है, ऐसे तो आप लोग समझिए कुछ कि सदगुरु कबीर साहब की तीन रूप है, समन्वयवादी, सुधारवादी और यथार्थवादी। सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले मानव मानव का समन्वय किया। उन्होंने बड़े विवेक के साथ तात्विक दृष्टि से कहा कि जन्म से कोई ऊंच नहीं है, जन्म से कोई नीच नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार मानव समान है।
क्योंकि सबकी प्रजनन प्रक्रिया एक सी है। इस अवसर पर हम आपको विचारों की गहराई में जाना चाहिए। बहुत सी कलुषित मान्यताएं आज भी हमारे जीवन में है। कहते हैं लोग उधर गंगोत वर्ण है, इधर यादव वर्ण है, और गंगोत में से भी एक आदमी को ले लीजिए और यादव वर्ग में से भी एक आदमी को लीजिए, और जो आदमी दोनों के विषय में कुछ नहीं जानता है उसके सामने खड़ा कर दीजिए दोनों को, आप पूछिए कि इसमें से कौन गंगोत है और कौन यादव है, तो कपार खुजला करके रह जाएगा। गंगोत की कोई पहचान नहीं है, यादव की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि सारे शब्द बीच के कल्पित हैं। यादव भी बाद में बन गया, गंगोत भी बाद में बन गया, क्षत्रिय ब्राह्मण भी बाद में बना, जन्म से सब कोरा मनुष्य। इतना समन्वय कबीर साहब ने किया कि जन्मना सब मनुष्य है, कर्मणा कुछ ऊंच हुआ है कुछ नीच हुआ है, जो ऊंच हुआ है वो कर्म से हुआ है, कोई नीच हुआ है तो कर्म से हो गया। मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण उच्च वर्ग का था रावण, ऋषि संतान, ये कर्म उसके नीचे हो गए, ऐसे कर्म नीच नहीं है रावण का। इन लोग मानते चले आए हैं रावण बहुत नीच था। क्या नीच था भाई? ऋषियों को मारता था, एक भी ऋषि का वध रावण नहीं किया है, किसी संत को रावण प्रताड़ित नहीं किया है। हाँ, कुछ एक काम रावण किया है कि ब्राह्मण लोग समिधा लेकर के हवन करते रहते थे। रावण ने उससे कहा कि समिधा लेकर के तुम हवन कुंड में धधकती आग में चावल घी जौ डाल रहे हो, इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक कर्मकांड तुम कर रहे हो। इस सब कांड को छोड़ करके हल जोतो दो जिससे समाज का लाभ होगा, देश का उद्धार होगा, कुछ काम करो। ये हवन करना कोई काम नहीं है। हवन करने वाले पंडितों को रावण ने एक रास्ता दिया, उनके जीवन इतिहास को आप पढ़ें तो एक भी संत को रावण प्रताड़ित नहीं किया है। इन मान लिया इन बार रावण बड़ा नीच है, इन आज नए सिरे से रावण पर भी चिंतन चल रहे हैं, रावण पर किताबें लिखी जा रही है। आज तो एक तरफ राम की राम का मंदिर है तो एक तरफ रावण का भी मंदिर बनने जा रहा है। नए सिरे से लोगों ने रावण पर चिंतन और मनन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है जो एक किताब लिखी है, रावण का वध मत करो, और उस किताब का जो अनावरण करना था मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी छत्तीसगढ़, तो मुझे लोगों ने आमंत्रित किया बिहार में कि रावण का वध मत करो, इस ग्रंथ का लोकार्पण आपके द्वारा होगा। हमने कहा बहुत क्रांतिकारी पुस्तक है भाई, तो लोगों ने हमसे कहा कि क्रांतिकारी मंच का मसीहा मानते हैं आपको, आप ही के द्वारा इस ग्रंथ का विमोचन हो सकता है। राजस्थान में रावण मंदिर बन गया है, क्योंकि नए सिरे से लोग विचार करने लगे हैं। रावण बुरा तो क्यों, राम अच्छा तो क्यों? लेकिन मान लीजिए गोस्वामी तुलसी ने उसको अधम कह दिया है, राम को बहुत उत्तम बना दिया है,
तो राम उत्तम हुए हैं अपने कर्म के माध्यम से, रावण अधम हुआ तो अपने कर्म के माध्यम से हुआ होगा। तो कर्म से ही आदमी उत्तम और अधम होता है, जन्म से कोई उत्तम और अधम नहीं होता है। ये चिंतन सदगुरु कबीर साहब का है। यहां जन्म से किसी को उत्तम कहा गया और जन्म से किसी को अधम कहा गया। ये अवैज्ञानिक बातें कबीर साहब को पसंद नहीं है। एक दिन सदगुरु कबीर देव जा रहे हैं, एक 6-7 वर्ष का बच्चा जिसका जगोपीत संस्कार हो गया है शायद, जमीन पर लेट है और उधर से एक 90 वर्ष का गैर ब्राह्मण आया है। व्यवस्था दी लोगों ने कि 90 वर्ष का जो गैर ब्राह्मण है वो 6 वर्ष के ब्राह्मण के बच्चे का नमन करेगा। ये बात कबीर को पसंद नहीं, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण उत्तम होता है, जन्म से कोई उत्तम नहीं होता है। कुछ शास्त्रों को पढ़िए, कुछ अनुभव कीजिए, ब्राह्मण के भी लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में। समो दमः तपः शौचम् शान्तिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावम्। इतने लक्षण जिसमें घटते हो ब्राह्मण है, समो दमः तपः शौचम्। सम कहते हैं मन इंद्रियों को संयत रखने वाला, एक लक्षण ब्राह्मण होने का, जिसके मन और इंद्रियां संयत, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने नियम से विचलित नहीं होता हो, जिसमें शांति हो, जिसमें क्षमा हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, पारमार्थिक ज्ञान हो, ब्राह्मण कहते हैं। ये सारे लक्षण घटते हैं संत रैदास में। वो मन इंद्रियों के संयमी है, ये लक्षण घटते हैं मां मीरा में, ये लक्षण घटते हैं सबरी में। सबरी के मन इंद्रिय संयत थी, शांति थी उसके जीवन में, क्षमाशीलता थी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने नियमों से विचलित नहीं होती थी सबरी। ब्राह्मणी हो सकती है, जूता टांकने वाला संत रैदास ब्राह्मण हो सकता है, कि ब्राह्मण के सारे लक्षण उसमें घटित होते हैं। लेकिन यहां ने लोगों ने ऐसी कल्पना की कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, जन्म से कोई क्षत्रिय है, जन्म से कोई वैश्य है, जन्म से कोई शूद्र है। ये बड़ा भारी कलंक किया लोगों ने। जन्म से कभी ब्राह्मण हो नहीं सकता। ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते वेदाभ्यासी भवेद विप्रह। ब्रह्म का जो चिंतन करे, मनन करे, ब्रह्म की अनुभूति करे, सब ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र है, क्योंकि सभी का जन्म एक समान होता है। कुछ अवैज्ञानिक बातें लोगों ने की है। एक विराट भगवान की परिकल्पना की यहां के बुद्धिजीवी लोगों ने। बुद्धिजीवी लोगों ने बड़े बड़े उपद्रव का काम किए हैं, बड़े अप्राकृतिक काम किए हैं, अवैज्ञानिक काम किए हैं। एक विराट भगवान की परिकल्पना हुई, उस विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण को निकाल दिया, विराट भगवान के बांह से क्षत्रिय को निकाल दिया, विराट भगवान के जांघ या पेट से वैश्य को निकाल दिया,
उस विराट भगवान के पैर से लतखोड़ी लाल शूद्र को निकाल दिया। इतनी अवैज्ञानिक बात की बुद्धिजीवी लोगों ने की है। एक तो विराट भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, वो हवा महल परिकल्पना कर ली गई। इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए इस विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण निकला है, अपनी श्रेष्ठता ज्ञापित करने के लिए, अपनी उच्चता ज्ञापित करने के लिए ये झूठी कल्पना की कि विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है। मंत्र गढ़ करके वेद में रख दिया कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृतः पुरुषदश गर्भस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण आया है। अब आप थोड़ा पढ़े लिखे भी हो, नहीं भी पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा विचार कीजिए कि विराट भगवान का मुंह था कि प्रजनन द्वार था। क्योंकि बिना विचार से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि विचारे न बिना सम्यक ज्ञानं नोत्पद्यते क्वचित् तस्मात् विचारः कर्तव्यः ज्ञान सिद्ध्यर्थमात्मनः। वस्तु की सिद्धि तो विचार से होती है। एक काल्पनिक बात पर आप सभी लोग विचार करें कि विराट भगवान का मुंह था कि प्रजनन द्वार था, समुचे शरीर में प्रजनन द्वारे था। विराट भगवान के बांह में प्रजनन द्वार, जांघ में प्रजनन द्वार, पैर में प्रजनन द्वार। इतनी झूठी और अवैज्ञानिक बातें बुद्धिजीवी लोगों ने की। इसका विखंडन कबीर साहब ने किया। क्योंकि कबीर साहब पक्के सुधारवादी संत थे। उन्होंने निर्णय दे करके बताया कि जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया तो और द्वार हो क्यों नहीं आया। अगर तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी से जन्म लिए हो तो और द्वार से क्यों नहीं आया। तुम तो पहले मुंह से आते थे, तो फैक्ट्री का दरवाजा बंद कब हो गया। आज सारे लोगों का प्रजनन द्वार एक है। इतना साफ कहने वाला महापुरुष तो दुनिया के इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। इतना साफ साफ उलझन मुक्त बातें कहने वाला सदगुरु कबीर के अलावे दुनिया में कोई उंगली पर गिनने के लिए महापुरुष नहीं है। कितनी अतर्क बातें हैं उनकी कि जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया तो और द्वार हो क्यों नहीं आया। दो उत्तर, तुम तो पहले मुंह से आते थे, दरवाजा बंद कब हो गया हमारे डर से। आज कोई भी आदमी मुंह से पैदा नहीं होता है, कोई भी आदमी बांह से पैदा नहीं होता है, कोई भी आदमी जांघ से पैदा नहीं होता है, कोई भी आदमी पैर से पैदा नहीं होता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे दुनिया की कोई भी आदमी हो, सबका प्रजनन द्वार एक ही रास्ते से सारे लोग आते हैं।